तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग अपने SBI अकाउंट की पासबुक अपने मोबाइल फ़ोन पे कैसे देख सकते हैं। गाइस, यहां पे आप लोग जो है जैसे आप लोग पासबुक में देखते हैं उसी तरीके की पासबुक आप लोगों को अपने फ़ोन में मिल जाएगी देखने के लिए। सारे के सारे ट्रांजेक्शन और मिनी पासबुक स्टेटमेंट सारा का सारा आप लोग को यहाँ पर आपके फ़ोन पर ही मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग मैं फटाफट से बता देता हूँ कि SBI की पासबुक आप लोग अपने फ़ोन में कैसे देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा मैं सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर पे चले जाना होगा, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाना होगा और आप लोगों को एक एप्लीकेशन है योनो, ये वाली आप लोगों को एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना होगा। लिंक भी मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये SBI की ऑफिशियल एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन से आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। इस एप्लीकेशन में पासबुक रिचार्ज सारा कुछ आप लोग जो है काम कर सकते हैं, मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और पासबुक चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, हिस्ट्री निकाल सकते हैं, सारा का सारा काम कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इस वीडियो में कि आप लोग अपने SBI का आप लोग जो मिनी स्टेटमेंट है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह है, जो भी पासबुक है, वो आप लोग कैसे देख सकते हैं। तो फटाफट से इस एप्लीकेशन को यहाँ पे मैं जो है डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, वीडियो को स्किप कर देता हूँ जब तक ये हमारी डाउनलोड हो जाती है। सो गाइस, एप्लीकेशन मेरी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से लोड होता हुआ नज़र आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो है इसको अलाउ करके परमिशन यहाँ पे दे देना होगा और यहाँ पे आप लोग को जितनी परमिशन देने के लिए आए उतनी परमिशन यहाँ पे दे देना होगा। इसके बाद गाइस, इसका इंटरफेस आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। नीचे साइड में मिलते हैं न्यू टू SBI एग्जिटिंग कस्टमर और आई हैव एक्टिवेशन कोड। यहाँ पे तीन ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे अगर आपके पास जो है यहाँ पे अकाउंट नहीं है SBI में, तो सबसे पहले आप लोग अपना अकाउंट यहाँ से बना लेना होगा न्यू टू SBI, ठीक है। अगर आप लोग ऑलरेडी कस्टमर हैं तो यहाँ पे आप लोग को एग्जिटिंग कस्टमर पर क्लिक करना होगा सेकेंड ऑप्शन पर। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को इसमें रजिस्टर करने के लिए ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लॉग इन यूज इंटरनेट बैंकिंग आईडी। यहाँ पे आप लोग इसमें जो है लॉगिन कर सकते हैं अपने इंटरनेट बैंकिंग आईडी से भी, और यहाँ पे ये आप लोग को मिल जाता है रजिस्टर माय ATM कार्ड। अगर आपके पास ATM कार्ड है तो यहाँ से आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और भी बेसिक डिटेल्स हैं यहाँ पे फिल करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे अपना SBI में इंटरनेट बैंकिंग को चालू करना चाहते हैं और आप लोग को नहीं पता है कि आप लोग अपना यूजर नेम और पासवर्ड कैसे बनाएंगे, तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके आप लोग उस वीडियो को देख लेना, वहां पे आप लोग जान जाएंगे कि SBI में नेट बैंकिंग कैसे चालू करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये बात हो गई यहां से आप लोग की, ये भी जो है रजिस्टर विद माय ATM कार्ड, यहां पे ये भी आप लोग की जो प्रॉब्लम यहां से फिक्स हो जाएगी। और इसके बाद यहां पे तो ये भी यहां पे जो है मैं स्किप कर देता हूं, और इसके बाद रजिस्टर विद माय अकाउंट डिटेल्स यहां पे मैं क्लिक करूंगा। तो यहां पे आप लोग को देख सकते हैं यहां पे स्टेप कंप्लीट करने होंगे और 3 स्टेप कंप्लीट, तो यहां से भी आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड पे यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक करूँगा और इस पर मैं यस पे क्लिक कर दूँगा। तो गाइस, मैंने आप लोग को बता दिया, अगर आप लोगों के पास यहाँ पे SBI के इंटरनेट बैंकिंग ID और पासवर्ड नहीं है तो वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाके आप लोग उस वीडियो को देख लेना। वहाँ पर आप लोग जो है अपने जो SBI की इंटरनेट बैंकिंग जो ID होती है, पासवर्ड होती है और यूज़र नेम होता है, वो आप लोग वहाँ से बना लेंगे उस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है गाइस। इसके बाद गाइस, यहाँ पे आप लोग को अपना यूज़र नेम और यहाँ पे एंटर पासवर्ड यहाँ पे आप लोग बना लेंगे, तो यहाँ पे आप लोग अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के सबमिट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने जो डिटेल्स फिल कर दी, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड, और इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा। इसका देख सकते हैं कॉन्सेंट टू यूज़ MPIN, तो यहाँ पे आप लोग को अपना MPIN बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे जो है क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे लोड होगी और यहाँ पे ये बोल रहा है सेट न्यू MPIN, तो यहाँ पे आप लोग अपना एक नया MPIN बनाएंगे। तो मैं फटाफट से अपना एक नया MPIN बना लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग जो MPIN बनाएंगे तो उसमें अलग अलग वर्ड डालना, ठीक है गाइस। और इसके बाद यहाँ पे सेम MPIN यहाँ पे आप लोग बनाएंगे, वही MPIN आप लोग नीचे साइड में फिल करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके नंबर पे एक OTP सेंड की जाएगी। OTP जो आपके पास आए वो आप लोग के यहाँ पे जो है फिल करनी होगी। OTP आपके उसी नंबर पे आएगी जो आपके बैंक अकाउंट से नंबर लिंक होगा। तो मेरे पास OTP यहाँ पे आ चुकी है, OTP में यहाँ पे फिल करके जो है यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ।
देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे मैं सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका हूँ, ओके पे मैं यहाँ पे जो है क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जितनी मुझे फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही हैं तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, अकाउंट्स, योनो पे, योनो कैश, डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, लोन्स, कार्ड्स, इंश्योरेंस, शॉप ऑर्डर और बेस्ट ऑफर्स। ये आप लोगों को जो है यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जितनी फैसिलिटी मिलती हैं वो आप लोग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे व्यू बैलेंस का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग अपना जो है बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है। फिलहाल मैं इसको हाइड कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना पासबुक देखने के लिए यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिल रहा है अकाउंट का, तो यहाँ पे आप लोग अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बैलेंस शो करा दिया जाएगा और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे साइड में आप लोग को अकाउंट नंबर के लास्ट डिजिट दिखा दिए जाएंगे और इस बैलेंस पे क्लिक करूँगा। और सेविंग अकाउंट में यहाँ पे नॉर्मली इसके ऊपर जो है क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो ट्रांजेक्शन है दिखा रहा है कि हमारे जो बैलेंस से कितने रुपए कटे हैं और यहाँ पे कितना चार्ज लगा है और कितना बैलेंस हमारे अकाउंट में आया है, कितना रिसीव हुआ है और कितना मैंने विड्रॉल किया है, कितना निकाला है और कितना मैंने कुछ इससे खरीदा है। सारी की सारी जानकारी जो यहाँ पे आप लोग को मिल जाती है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप लोग की जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो भी यहाँ पे आप लोग को शो करा दिया जाएगा और सारी की सारी जो है टैक्स वगैरह जो भी होते हैं सारे के सारे आप लोग को यहाँ पे शो करा दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है स्पेंड एनालिसिस, यहाँ पे मैं जो है क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वीक, मंथली, वो आप लोग अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ये देख सकते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड, मंथ पे क्लिक करूँगा, नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो नो रिकॉर्ड फाउंड, अभी कोई रिकॉर्ड इसमें नहीं है। ठीक है, ट्रांजेक्शन में आप लोग यहाँ से ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो बस यही थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो जरूर से एक लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर ना है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसे जरूर से प्रेस कर लेना, जो कि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आप लोग को मिल जाए। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।